नमस्कार और आप देखें पल पल। विश्व में महामारी का पर्याय बन चुकी कोरोना बीमारी से सीधी लड़ाई लड़ रहे चिकित्सकों का हमें सम्मान करना चाहिए, साथ ही उनकी हर वक्त हौसला अफजाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे जीवन की रक्षा के लिए अपने प्राणों को जोखिम में डाले हुए हैं। समाज सेवी संस्था इंडियन चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों द्वारा चिकित्सकों का आज सम्मान किया गया। संस्था की ओर से नागरिक अस्पताल के प्रांगण में चिकित्सकों की पूरी टीम पर फूल बरसाए गए, इसके साथ ही उन्हें सम्मानित भी किया गया। संस्था के पदाधिकारियों ने बताया कि उनका उद्देश्य चिकित्सकों प्रति सम्मान दर्शाना है और उनका उत्साहवर्धन करना है। जहां एक ओर अपने प्राणों के चक्कर में पूरे विश्व के लोगों ने अपने आप को घरों के अंदर बंद किया हुआ है, वहीं चिकित्सक वर्ग ऐसा वर्ग है जो अपने देशवासियों के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राणों को भी संकट में डाल रखा है और इसके साथ साथ वे उससे सीधी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में हमारा भी फर्ज बनता है कि हम चिकित्सकों का सम्मान करें और कोरोना की इस लड़ाई में अपना सहयोग दें। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांबू की विशेष रिपोर्ट। हमारी संस्था का ये प्रयास है कि हमारी संस्था इंडियन एजुकेशन सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट है और हमारा प्रयास है कि डॉक्टर लोग लंबे टाइम से लगे हुए हैं, जनता के बीच में सेवा दे रहे हैं और देश में ये महामारी चल रही है, तो उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम लोगों ने आज फूलों की बारिश करी है, इनका हौसला बढ़ाया है और हमने इनको ये आशीर्वाद दिया है कि हम इस संकट की घड़ी में संस्था आपके साथ में है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो हमारी संस्था कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ में चलेगी। तो कोरोना को लेकर आपने ये सब कदम उठाया? हाँ, ये कोरोना ये हमारे देश में बहुत बड़ी महामारी चल रही है, तो हमारा प्रयास यही है कि आदमी आम आदमी घरों में डरा हुआ है, तो हम सोचते हैं कि ये फूलों के माध्यम से हौसला बढ़ाकर थोड़ा इनको सपोर्ट की जाए, हौसला बढ़ाया जाए ताकि इस बीमारी के अंदर ये बढ़ चढ़ कर लोगों की सेवा और करें। आपके माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहोगे आप? मैं तो यही संदेश देता हूँ कि जनता घर पर रहें और सोशल डिस्टेंस रखें और एक दूसरे को प्रेरित करें। कोई मास्क जरूरी नहीं है, हमारा देसी घर में कोई मफलर वगैरह है, सापा वगैरह है, वो रखें ताकि इस बीमारी से संकट से बचें। एक्चुअली इंडियन सोशल चैरिटेबल ट्रस्ट का मैं, इन्होंने हमारी जो डॉक्टर्स टीम है जो फ्लू क्लिनिक में काम करती है और हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो सैंपलिंग करती है और जितना हमारा जो टास्क फोर्स की जो टीम है उनको जो सम्मानित किया है इस संस्था में, इस संस्था का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप हर जगह अकेला फूल बरसाने से नहीं, लोगों के अंदर प्रचार कीजिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए प्रचार कीजिए। हमारे लिए वही फूल बरसाना होगा, तो इसमें आप लोग जागरूक करिए जनता को कि कोरोना से कैसे बचा जाए और कैसे अपनी रक्षा की जाए। थैंक यू वेरी मच।